हाय फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू कृति पटेल सीरियल चैनल। और मैं कृति पटेल आप सबका अपने चैनल में बहुत 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 स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बड़े ही मजे में होंगे। एक्चुअली वीडियो बनाने का आज मन नहीं था, मतलब क्या हो रहा है कि लास्ट वन वीक उससे भी ज्यादा टाइम से जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, उसके बाद जो अर्निंग होती है तो यूट्यूब से मेरी अर्निंग कट जाती है, तो फिर मतलब दिमाग ना अच्छे से काम नहीं करता। तो सोचा यार चलो यहाँ पे स्टॉप करने, फिर सोचा नहीं यार कुछ भी हो जाए ना, मेरे को अपना गोल अचीव करना है तो मैं स्टॉप नहीं करने वाली। तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली कल है मकर संक्रांति और संक्रांति के दिन तो मतलब इतना कुछ काम हम करते नहीं है, पूरा दिन ऐसे ही टेरेस पे इंजॉय करते हैं। हाँ, सवेरे अर्ली मॉर्निंग घर का खाना वाना बना के सब कुछ फिनिश करके निकल लेते हैं, फिर शाम को होता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना जो काम है ना वो फटाफट से फिनिश कर लूँ। अर्ली मॉर्निंग मेरे को क्लास थी, क्लास के बाद घर पे आई, खाना वाना खाया, फिर थोड़ा सा बाहर का मतलब काम था वो भी फिनिश करके आई। अब मैं कल के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो कल क्या है कि मतलब टेरेस पे जाते हैं ना तो पतंग चगाते हैं, उसके साथ मतलब कुछ ना कुछ मुँह में डालने के लिए चाहिए। तो हमारे गुजरात में क्या होता है मुझे अदर स्टेट का नहीं पता, बट गुजरात में जब भी मकर संक्रांति होती है ना तो उसके एक दो दिन पहले हम लोग मतलब सिंह के लड्डू, सिंह पाक या सिंह की चिकी, उसके साथ हम तिल की चिकी बनाते। ये सारी चिकी हम सुगर या मतलब गुड़ दोनों के साथ बनाते हैं। उसके साथ हमारे यहाँ पे मतलब जो चने होते हैं ना, भुने हुए चने जिससे हम दालिया बनाते, गुजराती में दालिया कहते हैं, आपके वहां पे क्या होता है मुझे नहीं पता, उससे भी हम चिकी बनाते हैं, कोकोनट से भी चिकी बनती है। एंड हाँ, कुरमुरे होते हैं ना जिसको हम गुजरात में ममरे बोलते हैं, बट आप लोगों के स्टाइल में शायद बोले ना इसे कुरमुरे बोलते हैं या मुरमुरे बोलते हैं, हाँ मुरमुरे शायद। तो उससे हम लड्डू बनाते हैं, वो मेरे को सबसे अच्छा लगता है मुरमुरे का जो लड्डू बनता है ना। तो एक्चुअली मैं अभी वही सब बनाने वाली हूँ, तो मैं पूरा तो रेसिपी नहीं दिखा सकती, बट मैं क्या बनाने वाली हूँ कैसे करती हूँ ये फटाफट से आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हाँ मतलब ये चीज है कि अगर मैंने कुछ भी बनाया तो ये पूरा आप लोगों के साथ शेयर होगा, तो इसका फटाफट से रिकैप भी आपको मिल जाएगा और आप फटाफट से इसे घर पे बना सकते हो। सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ सिंह का पाक। मतलब सिंह का पाक क्या होता है कि जब हम ऐसे चिकी बनाते हैं तो हम खा सकते हैं, बच्चे खा सकते हैं, बट एजेड लोग हैं वो नहीं खा सकते, तो उनके लिए मैं सिंह पाक बनाने वाली हूँ। तो एक्चुअली फटाफट से ये सारा काम फिनिश करके आज मेरे को करनी है पैकिंग। पैकिंग इसलिए क्योंकि कल मैं जा रही हूँ अपने टाउन को। एक्चुअली ये मकर संक्रांति होती है ना तो हमारे गुजरात में 14 जनवरी, 15 जनवरी और इस बार तो आ रही है ये 14 जनवरी आ रही है फ्राइडे को, 15 जनवरी सैटरडे को, पर एक एक्स्ट्रा दिन संडे का भी छुट्टी मिल रहा है। तो मैं जा रही हूँ अपने टाउन जहाँ पे जाके मैं बहुत सारा फन करने वाली हूँ, बहुत सारी पतंगे उड़ाने वाली हूँ। और यह सब कुछ मुझे ना उड़ाने से ज्यादा वो लुटने में बहुत मजा आता है, मतलब पकड़ने में बहुत मजा आता है, मैं वो बहुत करती हूँ, तो वो भी मैं करने वाली हूँ कल। मैं पूरा मतलब ये सारी चीज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, तो कल भी ये वीडियो देखना। मतलब फिर बोला कि यार हम गुजराती कैसे फैन करते हैं। हाँ, और आप लोगों के वहां पे ये वाली स्वीट्स मतलब जो हम मुरमुरे के लड्डू बनाते हैं, तिल के लड्डू बनाते हैं, पीनट की चीकी बनती है, पीनट की बर्फी लाइक सिंह पाक बनता है, तो आपके वहां पे ये बनता है कि नहीं कमेंट करके प्लीज बताना। तो क्यों जैसे मुझे भी समझ में आया कि यार आप लोगों के वहां पे क्या होता है, कौन सा फेस्टिवल। अरे हाँ, मैं तो ये भी बोलना भूल गई, सब लोगों को मतलब हैप्पी लोरी एंड हैप्पी पोंगल आज ये भी मतलब बेस करना था तो मैं बोल रही थी। तो सबको सबसे पहले मेरी तरफ से एडवांस में मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति एंड हाँ हैप्पी पोंगल, हैप्पी लोरी। मैंने दो चीज लिया है गुड़, गुड़ को ऐसे मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है, और इसके लिए जो मूंगफली थी, सिंग थी, उसको मैंने मिक्सर में थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, अब देख सकते हो ऐसे वाले। और अब हम फटाफट से इसका बनाने वाले सिंह पाक, तो वीडियो तक बने रहे। सबसे पहले मैं गैस ऑन करूंगी, गैस के ऊपर पैन रख के उसका
पाया बना लूंगी, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे सिंग करके पैन में। ये गुड़ है ना, गुड़ को मतलब मैंने ऐसे ही मेल्ट कर लिया है सिंग पक बनाने के लिए। जब भी हम सिंग पक बनाते हैं ना तो उसमें हमें गुड़ को मतलब पूरा इतना गढ़े वाला पाया नहीं बनाना है। हम गुजराती में पाया बोलते, हिंदी में नहीं पता मेरे को क्या बोलते, बट इट्स ओके। तो ऐसे ही हम गुड़ को ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे इसे इतना ही रखना है जितना गुड़ मेल्ट होता है, इसे ज्यादा नहीं चलाना है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम ऐड करने वाले हैं सिंग। सिंग का ये जो मैंने ऐसे बारीक क्रश करके रखा हुआ था मूंगफली को, वही हम ऐड करने वाले हैं। मैं गैस को कर देती हूँ ऑफ और इसमें डाल रही हूँ ये मूंगफली। अब हम इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। एक्चुअली मुझे ज्यादा बनाने हैं बट मेरी वाली फैन नहीं थी तो मैंने सोचा कोई नहीं दो तीन बार बना लेते हैं, इसे ही एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ऐसे। और अब हम इसे कर लेंगे ऐसे सेट। हाथ से भी हो जाता है अगर आप चाहो तो, कटोरी से या चम्मच से या किसी और चीज से भी कर सकते हो, बट मैं हाथ से कर रही हूँ। मुझे जो भी चीज होती है ना अच्छे से फटाफट से हो जाए ऐसे ही पसंद है। तो ये देख रहे हो आप, ये मेरा रेडी है। अब मैं इसे करती हूँ साइड पर और अब मैं बनाने वाली हूँ कुरमुरे के लड्डू। तो हम स्टार्ट करते हैं कुरमुरे के लड्डू। कुरमुरे के लड्डू नहीं, मुरमुरे के लड्डू। मुरमुरे के लड्डू बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ऐसे वाले मुरमुरे। मुझे नहीं पता ये क्या बोलते हैं, मुरमुरे बोलते हैं कुरमुरे बोलते, तो यही है। और इसके साथ मैंने लिया है फिर से अगेन गुड़। इसका भी मुझे ऐसे ही गुड़ को मेल्ट करना है और इससे मेरा थोड़ा ज्यादा मेल्ट करना है मुरमुरे के लड्डू। इसके लिए मुझे करना होगा गैस को ऑन, उस पर मैं पैन रख लेती हूँ। पैन के अंदर मैंने डाल दिया है ये वाला गुड़ और अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मेल्ट करने वाले हैं। इसे अच्छे से मतलब चलाते रहना है, तो क्या होता है ये जो गुड़ होता है ना वो जल जाता है। आप चाहो तो इसमें घी या तेल ऐड कर सकते हो, ऑप्शनल है घी तेल ऐड करना, मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं डालती। इसे अच्छे से मतलब पूरा प्रॉपर हिलाते रहना है जिससे ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये हमारा हो गया है, मैंने गैस को कर दिया ऑफ। अब मैं ऐड करने वाली हूँ इसमें मुरमुरे। जितने अंदर आते हैं उतने ही ऐड कीजिए, मतलब कई बार फिर क्या होता है कि मुरमुरे में गुड़ का टेस्ट ही नहीं आता है लड्डू में, तो मैं जितने अंदर ऐड हो सकते हैं उतने ही डाल रही हूँ। अभी थोड़े से आ जाते हैं, एक्चुअली मैं इसे करते हैं अच्छे से मिक्स। और अब हमें बनाने हैं इसके छोटे छोटे वाले लड्डू, बनाने हैं इसके लड्डू। तो मैं क्या करती हूँ, अपने हाथ को थोड़े से ऑयल वाले कर लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है। ऐसे वाले लड्डू बना रही हूँ। अगर आपसे लड्डू नहीं बनते तो आप इसे ऐसे ही प्लेट में फैला के भी इसके जो पीस होते हैं ये भी बना सकते हो, बट मुझे ये लड्डू ही अच्छे लगते हैं तो मैं तो लड्डू ही बनाने वाली हूँ। अब आप देख सकते हो कि मैंने ये ऐसे वाले लड्डू छोटे छोटे लड्डू बना लिए हैं, है ना, बड़े ही मजेदार। और ये जो हमने सिंग पाप बनाया था ना इसको मैंने कट करके रखा हुआ है,
ये भी बहुत ही मस्त लगता है ना। हाँ एक्चुअली मैं कुछ भी बनाती हूँ ना बहुत दिल से बनाती हूँ, ये वीडियो भी मैं बहुत दिल से बनाती हूँ, ये खाना भी मैं बहुत दिल से बहुत प्यार से बनाती हूँ, तो फिर सबको अच्छा लगता है। अब मुझे बात ही नहीं करनी है, अभी तक मेरे तिल का जो लड्डू है वो बनाना बाकी है। इसके साथ अभी तक मेरे मुझे जो हमारे गुजराती ढेबरा थेपला होता है ना वो बनाना है। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं आती हूँ नए वीडियो के साथ। कल मकर संक्रांति है, तो पूरा नजारा मैं मकर संक्रांति का आपको दिखाने वाली हूँ, तो कल का वीडियो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कल के वीडियो के लिए वेट करें। आज का ये वीडियो कैसा लगा ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना है, एंड यस ऑफ कोर्स मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी करना है, एंड या बेल आइकन पर क्लिक करना है। और जाते जाते अगेन एक बार, कल मकर संक्रांति है, शायद आप किसी के घर पे भी फंक्शन के लिए पार्टी के लिए इकट्ठा हो रहे हो पतंग चगाने के लिए, मतलब उड़ाने के लिए सॉरी। तो प्लीज यार मास्क रखना, सैनिटाइजर से हाथ को बार बार धोना, एंड हाँ सोशल थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना। एक्चुअली कल के लिए आपको अब छुट्टी है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कल फेस्टिवल का दिन है, कोई रोक टोक नहीं है। बस हैप्पी मकर संक्रांति एंड गुड नाइट, बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, लव यू, एंड वंस अगेन एडवांस में हैप्पी मकर संक्रांति।